एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज मेरे दोस्त बुजुर्गो, आज कुर्बान जाइए वो मेरी बहन मुस्कान पर, जिसने मेरे दोस्त बुजुर्गो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की संविधान की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की संविधान को बचाने के लिए, इस मुल्क के हिंदू मुस्लिम प्रेम को बचाने के लिए तने तनहा मैदान में है। मेरे दोस्त बुजुर्गो, मेरे दोस्त बुजुर्ग, याद रखो, बातिल से दबने वाले ये आसमां नहीं हम सवार कर चुका है तो इंतहा हमारा। मेरे दोस्त बुजुर्गो, आप याद रखो, खिलौना समझ कर यूं बर्बाद ना करना, हम भी किसी के बनाए हुए हैं। मुसलमान वो है, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन ने इरशाद फरमाया, एक मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त की तरह है। क्यों, वजह क्या है? आप देखेंगे जब दो दरख्त होते हैं, वो दरख्त की शाख इस शाख में, उसकी शाख इस शाख में घुस जाया करती है, तोड़ फोड़ देती है। मोमिन वो है, इस्लाम मेरे दोस्त मुसलमान वो है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी को तकलीफ नहीं देता, वो प्रेम की मोहब्बत की बात करता है। इस मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले मेरे दोस्त बुजुर्गो, आज जो स्टेज पर शख्सियत मौजूद है, उनके मेरे दोस्त बुजुर्गो परदादा के नाम पर, उनका नाम है शेखुल इस्लाम, शेखुल अरब वल अजब हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी की कुर्बानी है। जवानों, आज तुम हिंदुस्तान में मौजूद हो, हिंदुस्तान बाकी है शेखुल इस्लाम का सदका है, हिंदुस्तान मुसलमान बाकी है शेखुल इस्लाम का सदका है। ये मस्जिदें हैं, ये मदरसे हैं, ये वजह यह है, शेखुल इस्लाम की कुर्बानी का नतीजा है। शेखुल इस्लाम थे मेरे दोस्त बुजुर्गो, अंग्रेज के तोप के सामने कहा था, लिए फिरती है बुलबुल चोंच पे गुल, शहीद नाज की तुर्बत कहां है, शेरवानी के बटन को तोड़ दिया था, चलाने वालों गोली चलाओ, हम गोली चलाने वाले नहीं, हम तोप चलाने वाले नहीं, लड़ाई झगड़ा करने वाले नहीं, फितना फसाद करने वाले नहीं, प्रेम मोहब्बत का पैगाम देने वाले, इस देश के लिए कुर्बानी देने वाले, इस देश के लिए। मेरे दोस्तों, ये मदरसे जितनी कुर्बानी इस देश के लिए देते हैं शायद कोई और देता हो। ये उलमा जिनके चेहरे पर दाढ़ी है, टोपी है, सबसे ज्यादा दिल से मोहब्बत करने वाले यही लोग हैं जिन्होंने सीने पे गोली खाई है। किस्सा खानी के बाजार में हमारे नौजवानों ने सीने पे गोली खाई, पीठ हमने नहीं दिखाया है। आज मेरे दोस्त बुजुर्गो, आवाजें कसते हो, रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में, रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में, कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में, कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने। दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, याद रखो, मदरसों पर एतमाद करो। आज कहता हूं, इस दौर के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत मदरसों की है, उलमा की है। दीन का काम हो, दुनियावी मामला हो, उलमा से राबता रखो, उलमा से मरबूत रहो, बुजुर्गान दीन से अपने दामन को मिला दो, जोड़ दो। मेरे दोस्तों, दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। गुस्ताखी की माजरत चाहूँगा, अल्लाह ताला इस इदारे को कबूल फरमाए। मैंने कहा अभी हजरत मौलाना सालेहुज़्ज़मा साहब से कि हजरत से मालूम करें कि मदरसा नूरुल उलूम हुसैनिया हजरत शेखुल इस्लाम के नाम की तरफ निस्बत है, लिहाजा अरकपल्ली तो अपनी जगह है, वो नाम रहे, इच्छापुर भी रहे। मैंने कहा उसमें मदनी महल्ला कर दीजिए, मदनी नगर कर दीजिए, बहुत बेहतर रहेगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज मैं ये कहूँगा, हजरत मौलाना नूरुल्ला साहब का एहसान है कि आज उस खानवादे के चिराग को हमारे सामने लाकर पेश कर दिया, जिन्हें देखकर मेरे दोस्त बुजुर्ग, याद रखो, यकीन जानिए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, इनकी कुर्बानियाँ हैं, हिंदुस्तान में हम जिंदा हैं, ये हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम सब प्रेम मोहब्बत के साथ रहेंगे, हिंदुस्तान हम सब का है। मेरे दोस्त बुजुर्गो, ये हिंदू मुस्लिम एकता की कई स्थान है, जगह है हिंदुस्तान, हम इस हिंदुस्तान के लिए हर तरह की कुर्बानी पेश करेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता प्रेम को मोहब्बत को बाकी रखेंगे। अल्लाह इस इदारे को कबूल फरमाए, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए, तमाम शुरूर फितन से महफूज फरमाए, अल्लाह हासिदीन के हसद से हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।